मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गुरुध्वज, मंगलायतन हरि। भगवान हमारे बहुत ही कृपालु हैं कि ऐसे अत्याचार भ्रष्टाचार बढ़ते जा रहा था और भगवान ने स्वयं योगी जी और मोदी जी के रूप में विराजमान हुए और ये जोड़ी ऐसे भगवान बनाए रखे और ऐसे देश को जो है आगे बढ़ाते रहें और ऐसे अत्याचार भ्रष्टाचार को जो है शांत करते रहें। अभी तक इन्होंने बनारस और अयोध्या का जो है उत्थान किए, अब तीसरा बार अगर बार योगी जी ने आपका जो है मथुरा में जो है चढ़ाई करेंगे और मथुरा का उद्धार करेंगे। हमारे भगवान कृष्ण अवतार ले चुके हैं, इन लोग के स्वरूप में समा गए हैं, जो कि ऐसे ही धर्म निष्ठा और भक्ति बढ़ाते रहें और इन लोग के आगे कार्य को इसी बढ़ाते रहें। हम लोग हिंदू समाज का प्राण प्रतिष्ठा और हिंदुत्व, ये हमारे समाज, हमारा देश, हमारे भारत भूमि का जो है जयकार होता रहे, यही अपने वाणी से हमने योगी जी मोदी जी सबका हमने आशीर्वाद और उनको आशीर्वाद लेते हुए और संतों का ये समाज ऐसे ही आगे मार्गदर्शक बन करके और ये हमारे जो है जन जनार्दन को जो है मार्गदर्शक बताते रहे, चलाते रहे और सब उस मार्ग पर धर्म कार्य पर चलाने का मार्गदर्शक बने। इसी पर अपने वाणी को मिलेगा। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प को, जो उन्होंने संकल्प किया है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदू राष्ट्र बनेगा, और इस संकल्प में मेरा साथ मेरे सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से मेरा अनुरोध है कि हम लोग एकजुट होकर के मोदी जी के और योगी जी के संकल्पों को पूरा करें। जय श्री राम, जय श्री राम। आज बहुत ही सिद्ध पीठ के जगह पर हम लोग मौजूद हैं। यहाँ के महंत हैं श्री अवधेश नंद जी, जो वेदों पुराणों में चक्र माधव के नाम से प्रसिद्ध है। आज चक्रमाधव महाराज के मंदिर परिसर में योगी और मोदी जी के शपथ ग्रहण के अवसर पर पूजा पाठ श्री महंत अवधेश जी के नेतृत्व में साधु संतों ने पूजा अर्चना करके उनके 5 वर्ष के शासनकाल को सकुशल संपन्न कराने के लिए आज भगवान के दरबार में पूजा किया गया। हम सभी साधु संतों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मे प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो। जैसे भगवान सूर्य प्रकट होकर के तीन लोगों का अंधकारों से मंत्री जी आदित्यनाथ जी, आदित्य माने भगवान सूर्य, साक्षात सूर्य के रूप में प्रकट होकर के अंधकार रूपी अज्ञान को, किसी को जैसे सूर्य शत्रु और मित्र नहीं गिनता, सबको बराबर प्रकाश देता है, वैसे शत्रुता मित्रता को खो करके जैसे सूर्य प्रकाशित अपने प्रकाश को डाल करके सबको सुखमय करता है, वैसे हमें सारे साधु समाज, हिंदू समाज, सारे जन, कोई हिंदू ही नहीं पूरा जन समुदाय उनके छत्रछाया में सुखमय पूरे उनके काल में व्यतीत करे, यही हमारा बहुत भारी धन्यवाद है, आशीर्वाद ये है साधु समाज की तरफ से और सारे धर्माचार्यों की तरफ से, चक्र माधव महाराज के, प्रयागराज महाराज की तरफ से आशीर्वाद है, यही कि उनका अच्छे ढंग से। आज हम लोग प्रातः काल से ही संत महात्माओं के साथ अरैल तट पे, विभिन्न मंदिरों में, गुरुद्वारों में, गंगा तट पे सुबह से ही भजन कीर्तन संत महात्माओं के साथ हो रहा है। बहुत ही मनोहर दृश्य है, एक अलग ही चरा की छटा बिखेर रही है, राम नाम का जाप हो रहा है। ये सब कार्य बस योगी जी और मोदी जी द्वारा जो किया गया है, एक आम व्यक्ति के लिए, उत्थान के लिए जो कार्य किए गए सामाजिक, उसी को और गति देने के लिए परमात्मा के चरणों में सब मिलकर अरदास कर रहे हैं कि इनको और शक्ति सामर्थ्य दे, दोनों विभूतियों को जो भारत की, विश्व की विभूतियां हैं, इनको और सामर्थ्य दे भगवान, जिससे विश्व गुरु भारत जल्दी जल्दी बने। आज शपथ ग्रहण समारोह है, उसी सिलसिले में जगह जगह जहाँ पूजा पाठ अरदास हो रही है, वहीं पे मिष्ठान भी बांटा जा रहा है खुशी में।
एक अलग ही तरह का, देखिए सभी संत महात्माओं के चेहरे पे एक तेज है, जो एक अंदर से खुशी होती है वो बोलनी नहीं पड़ती, चेहरे पे भाव आराम से दिखते हैं। तो उसी के सिलसिले में हम लोग सब इकट्ठे हुए हैं प्रातः काल से ही, बहुत अच्छा प्रभात फेरी से लेके जगह जगह कीर्तन दरबार कथा सब हो रही है कि कैसे मानव का उत्थान कर सकते हैं। ये परमात्मा ने दो विभूतियां जो भेजी हैं इस सृष्टि की, समझ लीजिए एक उत्थान के लिए, जिस तरह पतन हो रहा था देश का, गलत संस्कृति का एक उत्थान उदय हो रहा था, उसको रोकने के लिए कहा भी गया कि जब जब अधर्म होता है तो कोई ना कोई धर्म की रक्षा के लिए परमात्मा किसी को भेजता है। ये हम लोग का बड़ा सौभाग्य है कि ऐसी विभूतियां हम लोग के समय में आई हैं, हम लोग को भी दर्शन हो रहे हैं और उनके द्वारा किए हुए कार्य के दृश्य दिख रहा है कि एक धर्म की जय जयकार हो रही है, धर्म पुनर्जीवित हो रहा है, धर्म की रक्षा हो रही है। मैं सरदार पतविंदर सिंह सब संत महात्माओं का भी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ जो इन्होंने हम लोग के साथ और हम लोगों को भी अपना सहपाठी बनाया और हम लोग को साथ लेकर जन कल्याण के लिए राम राम की माला जप रहे हैं। हम इनका सबका धन्यवाद करते हैं, कृतज्ञ करते हैं और परमात्मा के चरणों में अरदास करते हैं, इसी तरह हम लोगों को और ताकत दे जिससे हम लोग भगवान का, देश की, सबका बाणी जप सके और विश्व गुरु बनाने के लिए योगी जी और मोदी जी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचा सके। आज शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है, एक अलग ही छटा उत्तर प्रदेश पूरे विश्व में है, एक पूरे विश्व की निगाह उत्तर प्रदेश के शपथ ग्रहण समारोह में लगी हुई है, क्योंकि वहां से जो ध्वनि हो रही है, जैसे शंखवाद किया बाबा जी ने, जिसकी गूंज पूरे ब्रह्मांड में जा रही है, वो सुनने के लिए पूरा विश्व इस टाइम लालायित है और देख रहा है। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जय श्री राम।